हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉड्यूलेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको अगर वेब डेवलपर बनना है तो कैसे बना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू वेब डेवलपर कि इसमें क्या काम रहता है, कैसे कैसे एप्लीकेशंस, मतलब कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको क्या स्किल्स लगेंगे अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ वेब डेवलपर, इसके बाद व्हाई टू बिकम अ वेब डेवलपर, मुझे वेब डेवलपर क्यों बनना है, मैं वेब डेवलपर क्यों बनूं, इसके बाद हम लोग इसके स्किल्स क्या क्या लगते हैं और इसके वेब डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या टाइप्स है वो देखेंगे, और इसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं और वेब डेवलपर बनने के बाद आपको कितने सारे फायदे मिलते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ वेब डेवलपर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स फॉर इंटरनेट और इंट्रानेट, दैट इज द अवर प्राइवेट नेटवर्क। सो होता क्या है, कितनी भी सारी वेबसाइट देख लेते हो, तो वेबसाइट पे अभी आप एग्जाम्पल के लिए फेसबुक या फिर अमेजोन ले लो, तो ये वेबसाइट्स रहते हैं, या फिर आप कोई ट्यूशंस के लिए या फिर कुछ भी आप सर्च कर लेते हो तो एक वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हो, तो ये जो कुछ वेबसाइट्स दिख रहे हैं आपको, तो यही वेब डेवलपर का काम है कि इस वेबसाइट्स को डेवलप की जाए। बेसिकली वेब डेवलपमेंट मींस ये बिल्डिंग ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। अभी वेबसाइट डेवलपमेंट में खाली वेबसाइट्स के भी टाइप्स रहते हैं। आप जैसे देखो कि स्टैटिक वेबसाइट रहता है, अभी तो वन पेज वेबसाइट्स आ रहे हैं सब जगह पे। पहले टाइम पे आप अगर कोई भी नॉर्मल वेबसाइट विजिट कर लेते तो वहाँ पे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट और उनका जो कुछ रहेगा वो 4 to 5 पेजेस का वेबसाइट रहता था, अभी तो वो सिंगल पेज में आ जाता है। सो ये एक स्टैटिक वेब पेज हो गया, या फिर स्टैटिक वेबसाइट हम लोग इसके वो बोल सकते हैं। इसके बाद आता है CMS वेबसाइट। ये CMS वेबसाइट क्या रहता है, तो CMS वेबसाइट जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन की ले लो, या फिर कोई भी जहाँ पे आप सामान ऑनलाइन परचेस करते हो जिसमें पेमेंट गेटवे आपका अटैच हुआ रहता है, तो ये सब जो वेबसाइट जो है वो CMS टाइप की वेबसाइट्स में आ जाते हैं। धीरे धीरे आगे जैसे जाएंगे हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई शुड वी गो फॉर वेब डेवलपमेंट। आज की तारीख में अगर कोई भी बिजनेस आप देखो तो सब लोग अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ग्रो करने की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ है अपना, जो कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का है, या फिर मेरा छोटा सा शॉप भी है, तो इसकी भी वेबसाइट मुझे चाहिए क्योंकि मैं मार्केट में दिखना चाहता हूँ, मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में शो करनी चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए। जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग जिसको बोलते हैं वो सब अभी डिजिटल मार्केटिंग पे ही चल रहा है। सो एवरीवन वांट्स टू डेवलप इट्स ओन वेबसाइट। सो हर एक बंदा क्या कर रहा है कि मुझे मेरा वेबसाइट डेवलप करना है। सो कोई ना कोई तो बंदा देख लेता है, या फिर कोई ना कोई कंपनी देख लेता है जो उनकी वेबसाइट डेवलप करके देती है। सो इसमें एक अच्छा स्कोप बन जाएगा आपका अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो। दूसरा पॉइंट, ऑब्वियसली हम लोग जो कुछ करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, इसमें से अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है। और तीसरी बात, आप कोई कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन फ्रीलांस भी आप काम कर रहे हो तो भी आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हो। आपको SEO के बारे में पता ही रहेगा, अगर नहीं पता रहेगा तो इस वीडियो के एंड में आपको मैं वो भी बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आप किसी भी अगर आप एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी एक वेबसाइट बना लेते हो और उसके ऊपर आप SEO करके गूगल एड्स प्ले करा देते हो, तो उससे भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। यानी कि आप जॉब भी कर सकते हो, ये सब भी कर सकते हो। सो इसमें से आपको जो पैसा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा मिलेगा, बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा आपको, और एज अ डेवलपर आपको जॉब भी मिल सकती है। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपको अगर आप एज अ वेब डेवलपर काम करते हो तो। अभी हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो वहाँ पे तीन टाइप्स रहेंगे आपको। फर्स्ट रहेगा फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा रहेगा बैक एंड डेवलपर, और तीसरा रहेगा फुल स्टैक डेवलपर। अभी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रंट एंड क्या रहता है। अभी आप कोई भी वेबसाइट का नाम डाल दो, जो वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको आपके सामने एक वेबसाइट रहेगी, तो वेबसाइट का जो कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो रहेगा फ्रंट एंड। तो वो डिजाइनर का काम रहेगा कि वेबसाइट का फ्रंट पेज जो है, या फिर जो इंटरफेस दिखने वाला है, वो डिजाइन करने का काम जो रहेगा वो फ्रंट एंड डेवलपर का रहेगा। इसके बाद आता है बैकएंड डेवलपर। अभी जितनी भी सारी वेबसाइट्स रहेंगी उसमें से कोई कोई वेबसाइट जो है वो डेटाबेस यूज कर लेते हैं, तो डेटाबेस सेव करने के लिए या फिर डेटाबेस बनाने का, जिससे डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है उसके रिलेटेड जो कुछ काम है जो हमें फ्रंट एंड पे नहीं देखने को मिलता है, वो सब काम जो है वो बैक एंड डेवलपर कर लेता है। और इसके बाद आता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर यानी उसको हर एक चीज के बारे में पता है, फ्रंट एंड के बारे में पता है, बैक एंड के बारे में पता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, वो स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन कर लेता है,
वो एप्लीकेशन डिजाइन कर लेता है और उसके साथ ही वो नेटवर्क रिलेटेड जो छोटी मोटी चीजें रहती है जो अपने एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिलेटेड जो पॉइंट्स रहते हैं वो सभी पॉइंट्स वो जानता है। तो ये बंदा रहेगा अपना फुल स्टैक डेवलपर। तो सबसे पहले अगर आपको एंट्री करनी ही है एज अ वेब डेवलपर तो इसके लिए आपको तीन चीजें आनी जरूरी है। ये तीन चीजें ऐसे ही नहीं है कि ये टोटली टेक्निकली एक हाई एंड है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये नॉर्मल तीन चीजें जो है, पहला है HTML जो कि आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको 12th में या फिर 10th में भी पढ़ाया जाएगा, आप इजिली उसको देख के भी सीख सकते हो। इसके बाद आता है CSS और तीसरा है आपका JavaScript। HTML यानी आपका एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक ढांचा बना देता है। CSS उसके ऊपर उसको थोड़ा ग्राफिक्स का काम कर लेता है और जावास्क्रिप्ट जो है वो उसमें ऑटोमेशन का काम कर लेता है, फंक्शनैलिटी का काम कर लेता है। तो ये तीन चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन चीजें है, HTML, CSS और जावा। अगर आपको ये तीन चीजें आती है तो आप नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट आप इजीली बना सकते हो, 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। अभी ये तो हो गया फ्रंट एंड के लिए। अगर आप बैक एंड के लिए जाते हो तो वहां पे डेटाबेसेस आएगा। मोस्टली जो वेबसाइट्स है वहां पे हमारा RDBMS डेटाबेसेस यूज होते हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, SQL या फिर MySQL जैसे डेटाबेस जो है वो वहां पे यूज होते हैं। तो अगर आपको डेटाबेसेस पता है तो आप अच्छा स्कोप कर सकते हो एज अ बैक एंड डेवलपर। और इसके साथ ही अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर भी बनना है तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए क्योंकि एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट आपको वेबसाइट आपका डिजाइन करना है तो उसके लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो जाता है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करो या फिर कोई और लैंग्वेज यूज करो। अभी तो गो और पाइथन लैंग्वेज जो मोस्टली यूज करते हैं हम लोग वो भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं या फिर रूबी और रेल्स रहता है वो यूज कर लेते हैं। तो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस है वो अगर आपको आती है तो वो आपका एक एडवांटेज और प्लस पॉइंट बन जाएगा। अभी ये तो हमने कोडिंग का देख लिया। अगर आपको कोडिंग भी नहीं करना है, अगर आपको कोडिंग आता ही नहीं है फिर भी आप एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो, खुद के लिए एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अभी कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको वर्डप्रेस नाम सुन के पता ही रहेगा, अगर आप वर्डप्रेस पे साइट पे जाते हो तो वहां पे आपको आपका साइट जो है वो खुद बिल्टअप करने के लिए मिल जाएगा। आपको सिर्फ वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको पूरा स्ट्रक्चर आप वहां पे बना सकते हो और जो बैकएंड वगैरह है वो वर्डप्रेस खुद संभाल लेगा। तो आपको अगर वर्डप्रेस का नॉलेज है तो वो भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि इन विद इन अ फ्यू मिनट्स आप वहां पे वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। अगर इससे भी आगे आपको जाना है तो उसके लिए आता है Magento। Magento एक CMS जो टाइप्स है वेबसाइट्स का उसको बनाने के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। उसमें भी यही सब बातें यूज होती है, आपका PHP यूज होता है, HTML, CSS, JavaScript, अदर लैंग्वेजेस वो सब यूज होता है। सो आपको अगर बेसिक HTML, CSS और JavaScript ये आते हैं, ये तीन चीजें आती है तो आप अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो। और अगर आपको और भी आगे जाना है, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपको ऑब्वियसली आपके स्किल्स जो है वो इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी जिसमें वो पाइथन, रूबी या फिर एंगुलर JS वगैरह जो लैंग्वेजेस है वो सब आनी चाहिए, PHP आना चाहिए। सो अगर आप ये सब बातें सीख लेते हो तो आप एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो। अभी आपको इतनी सब चीजें आ गई तो आप बोलोगे कि स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो वहां पे मैं आपको एक्चुअली वेबसाइट डिजाइन करके दिखाऊंगा और वहां से कैसे स्टार्ट करना है ये सब बातें बताऊंगा। एक बार आपने ये सब चीजें सीख लिया, आप बोलोगे कि हाँ मैंने सब चीजें सीख ली, मुझे HTML आता है, CSS, JavaScript सब आता है और मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ, लेकिन आगे क्या? क्योंकि आप कंपनी में मैं जब भी अप्लाई कर देता हूँ वहां पे एक्सपीरियंस पूछते हैं। सो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आप एक वेब टेम्पलेट ले लो। वो वेब टेम्पलेट क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और उस वेब टेम्पलेट पे आप काम करो। और जब भी आप वो काम कंप्लीट कर देते हो किसी एक रिसोर्स को पकड़ो कि हाँ इस टाइप से मुझे ये वेबसाइट दिखना चाहिए या फिर बनना चाहिए और उस हिसाब से आप अपना वेबसाइट बनाओ और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है और काम है वो आप रिज्यूम में मेंशन करो और उस पे फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर मेंशन करके रखो। तो होगा क्या कि अगर सामने वाला रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देखता भी है तो उसको पता चल जाए कि बंदे ने इतना इतना काम किया है, इसने इतनी साइट्स बना ली है। और अगर आप आपके पास उसका URL वगैरह है, वेब आपने डोमेन वगैरह परचेस किया है सो आप वहाँ पे डोमेन्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। सो दैट उनको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना क्या आता है। सो यही सब बातें इंपॉर्टेंट है एज अ वेब डेवलपर आपको काम करने के लिए, वेब डेवलपर बनने के लिए। और इस वीडियो के रिलेटेड आपको अगर डेटाबेस की कुछ इश्यूज आएंगे तो व्हाट इज दी रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके स्किल्स इंप्रूव कराने के लिए क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वेब डेवलपर आप जब भी काम करते हो। तो
इसमें ये टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सो आपको एक ये वेब डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सो गाइज दिस इज इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।